हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी के सोशल साइंस के कंटेम्प्रेरी इंडिया वन, जिसमें ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, उसका पहला टॉपिक इंडिया साइज एंड लोकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम है, आप समझ सकते हैं इसमें इंडिया का साइज, इंडिया के लोकेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले हम इंडिया पे आते हैं। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन है, जिसका हम देखें तो लगभग 2500 BC के सिविलाइजेशन है। और तब से लेकर अब तक अभी हमने कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली काफ़ी एनहांसमेंट किया हुआ है, और लगभग पिछले 5 decades में हमने और ज़्यादा एनहांसमेंट किया है उसमें। अब इंडिया की पोजीशन, इसकी लोकेशन हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में सिचुएटेड, और इंडियन ओशन में इंडिया की जो कोस्ट लाइन की लेंथ है, उतनी कोस्ट लाइन किसी भी दूसरे देश की नहीं है। इसलिए ये जो ओशन का नाम है, इंडियन ओशन रखा हुआ। और ये कोस्ट लाइन स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंस की, जहां ये ट्रेड और रिलेशंस डेवलप करने में यूरोप और एशिया से इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट लाइन हेल्प करता है, वहीं से इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट लाइन एशिया के ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड और रिलेशन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हम इंडिया के कुछ इंटरनेशनली फैक्ट्स, इंटरनेशनल और वर्ल्ड के वे में कुछ फैक्ट्स हम लर्न करना चाहेंगे, और मैं इस टॉपिक में कुछ स्पेशल मेथड्स बताऊंगा आपको लर्न करने की, कुछ इनोवेटिव मेथड बताऊंगा, और वो मेथड आप खुद भी तैयार कर सकते हो खुद से। मैंने कुछ कोड्स तैयार किए हुए हैं, आप भी ऐसा डेवलप कर सकते हो, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है वो कोड्स, आप देखिएगा और डिकोड करने की पहले कोशिश करिएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा, तो you can answer it is China, and India का position second है। Third position पे कौन सा country आता, can you tell me as per population? It is America। ठीक है, आपको learn करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। मैंने एक code दिया हुआ है CIA, C for China, I for India, A for America, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इट इज सिंपल वे लर्न करने का। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको बताना है, ये मैंने डिकोड करके लिख दिया हुआ है, चाइना, इंडिया एंड अमेरिका। अकॉर्डिंग टू एरिया पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिया यदि देखें तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो इट इज रशिया। पर एस यू नो, वेरी गुड, इफ यू नो, नहीं जानते तो रशिया हालांकि 90s में अपने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, लगभग 15 पार्ट में, उसके बाद भी आज की डेट में रशिया जो है पूरे वर्ल्ड में एज पर एरिया लार्जेस्ट कंट्री है, और इंडिया का पोजीशन 7th है। मैंने बोला आपसे इसके बीच में यदि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो आप आगे पीछे हो सकते हैं आंसर में, कैन यू टेल मी द नेम। चलिए मैं बताता हूं तरीका उसको लर्न करने का, आप देखिएगा। रकूक बाई थोड़ा सा फनी कोड है, बट आप इसको डिकोड करने की कोशिश करिए। आर फॉर रशिया, सी, देखिए इसमें दो सी हैं, एक जो है सेकंड नंबर पे कनाडा है और ये चाइना है, तो रशिया, कनाडा, यूएसए, उधर पे अमेरिका लिया था अपने, इधर पे यू से यूएसए ले रहे हैं एज पर कोड्स, जो जितने अच्छे बनते हैं उसमें अपन लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं। यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पे इंडिया। इज इट ओके? नॉट यूजफुल मेथड है, आप देखिए इसको, मैंने ऐसा लिख दिया हुआ है, यू कैन नोट इट, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड 7th इंडिया। हैव यू नोटेड इट डाउन? वेरी गुड।
नाउ वी कम टू अनदर एस्पेक्ट कि इंडियाज नेबर, इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं, इंडिया के नेबर कौन से हैं, इस पे भी क्वेश्चनिंग है। तो मैंने ये खाली मैप बनाया हुआ है, आप देखिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर की बॉर्डर को टच करता है। नाउ वी कम टू व्हाट पाकिस्तान, आप देखिए पाकिस्तान के बाद इधर से ये वाला जो कंट्री है ये अफगानिस्तान है। तो जम्मू एंड कश्मीर का इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो टच करता है, तो इट इज वन ऑफ द नेबर्स, अफगानिस्तान इज ऑल्सो। इधर पे आते हैं तो इधर से चाइना शुरू हो जाता है, चाइना इधर पे आया, इधर तक आया, फिर ये नेपाल, ये चाइना है, चाइना ये वाला पार्ट में आ जाता है और ये वाले पार्ट में भी आता है, ये दोनों चाइना का है, ये नेपाल हो जाता है, ये भूटान हो जाता है और इधर पे बांग्लादेश, इधर म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, इधर पे भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार। अब मैंने पूछा आपसे, कई बार यह भी पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया की किस देश के साथ है, तो कभी कभी पाकिस्तान, कभी कभी चाइना हमारे दिमाग में आता है, लेकिन आपको बता दूं लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया की बांग्लादेश के साथ है। इज इट ओके नॉट, पहले बांग्लादेश आता फर्स्ट नंबर पे, फिर चाइना आता है, फिर पाकिस्तान आता है। अब क्वेश्चन यह आ जाता है कि इतने सारे कंट्रीज हैं, मैंने बोला सबका सबसे ज्यादा किसके साथ, फिर उससे कम सबसे कम किसके साथ आता है, तो इसको भी लर्न करने का कैन यू टेल मी। चलिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, पहले मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आपको एक तरीका बताता हूं किस तरीके से लर्न करना है। कोड देखिएगा, बा ची पा ने मा भगाई आफर, यू कैन डिकोड इजीली इट, बा ची पा ने मा भगाई आफर, इसको डिकोड कर सकते हैं आराम से। बा फॉर बांग्लादेश, ची से चीन चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भगाई से भूटान, आफर से अफगानिस्तान, मैंने इसको डिकोड करके भी लिखा हुआ है, नाउ यू कैन नोट इट। Very good. Now we come to next size and locations पे आते हैं। इसको अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा कि यदि हम पूरे वर्ल्ड को ऐसा एक ग्लोब ले लेते हैं, तो ये वाले लाइन कहलाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लैटिट्यूड, और दोनों पोल लैटिट्यूड या अक्षांश और दोनों पोल को जो मिलाने वाले लाइंस हैं वो कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लेटे हुए हैं, आप ऐसा भी टर्न कर सकते हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का पोजीशन यदि देखते हैं, पहले तो आपको बता दूं यदि दो पार्ट पे इंडिया, ये जो है इक्वल डिवाइड, ये इक्वेटर लाइन है जिसको जीरो डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, ये इक्वेटर कहलाता है। तो इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया का पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। वन मोर थिंग, ये 0 डिग्री जैसे लैटिट्यूड है, हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बना ले, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इसी को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं या इसी को ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। तो ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन लाइन जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो इंडिया का पोजीशन यदि अपन देखेंगे तो लगभग मैप थोड़ा सा वैसा बोल रहा है, समझ लीजिए इंडिया का पोजीशन इधर पे है, मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के ऊपर है। तो इंडिया के साउथ वाला और नॉर्थ वाला दोनों पोर्शन नॉर्दर्न लैटिट्यूड आएगा, ये भी नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये भी नॉर्दर्न लैटिट्यूड, गॉट इट। अब आते हैं लोग, ये लैटिट्यूड की बात हो रही, लॉन्गिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और
जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट हैंड में जो है सारे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होते हैं और लेफ्ट साइड में होते हैं सारे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का ये वाला वेस्टर्न पोर्शन और ईस्टर्न पोर्शन ये दोनों जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट साइड है, तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और ये भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया का वेस्ट पार्ट है लेकिन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड क्यों लिख रहे हैं। तो अपन इधर पे देखते हैं, इधर ये वाला जो पार्ट है ये 68 डिग्री 7 मिनट्स और ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये क्या हो जाएगा आप बताइए, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और ये 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये टॉप वाला देखते हैं तो ये 37 डिग्री 8 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड और ये वाला पोर्शन देखते हैं 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड नॉर्दर्न लैटिट्यूड। लेकिन इधर ध्यान दीजिएगा कि इंडिया तीन ओर से सी से समुद्र से घिरा हुआ है, तो जो भी कंट्री तीन ओर से समुद्र से घिरी होती है जो वो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया इज अ पेनिनसुला, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, कैन यू आंसर इट, इट इज अरेबियन पेनिनसुला। इंडिया भी काफी बड़ा पेनिनसुला है, ये आप देखिए इधर से घिरा हुआ है। तो इंडियन पेनिनसुला का या इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट ये है 8 डिग्री 6 मिनट, ये एक्चुअली केप कैमरून है, केप कैमरून हिंदी में इसको कन्याकुमारी अंतरी बोलते हैं जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी कन्याकुमारी में सिचुएटेड है आप कीजिएगा। लेकिन यदि अपन देखें कि इक्वेटर से ये तो थोड़ा ऊपर पड़ता है लेकिन इंडिया का ये वाला पॉइंट ये अंडमान निकोबार में सिचुएटेड है, ये यदि अपन लोग देखेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट्स है, 6 डिग्री 4 मिनट्स, इधर 8 डिग्री 4 मिनट्स है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये 6 डिग्री 4 मिनट मतलब और नीचे है, तो इसको इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ये सुनामी के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है लेकिन अभी आपको कई फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज 6 डिग्री 4 मिनट्स, दैट इज इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, जो कि अंडमान निकोबार में, इनफैक्ट निकोबार के लोएस्ट पोर्शन जिसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं, तो ग्रेट निकोबार में ये सिचुएटेड है। तो इंडियन पेनिनसुला का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो केप कैमरून, जबकि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। नाउ वी कम टू व्हाट वन मोर लॉन्गिट्यूड, हर देश को अपना टाइमलाइन या स्टैंडर्ड टाइमलाइन शो करना होता है क्योंकि अर्थ जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है तो टाइम बाय टाइम उसका लॉन्गिट्यूड चेंज होता है, इसलिए हिंदी में इसको देशांतर बोलते हैं, देशों का अंतर। तो टाइम कैलकुलेशन करने के लिए हमको लॉन्गिट्यूड काउंट करने होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड में हर देश को शो करना होता है। तो इंडिया ने अपना जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन के लिए लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स या 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जो कि प्रयागराज के पास नैनी या आप मिर्जापुर दोनों बोल सकते हैं से होकर गुजरता है, वहीं से गुजारा गया है इसको, गुजरता तो और दूसरी जगह से भी है लेकिन हमें शो करना होता है कि हमने कहां से इसको गुजारा हुआ। तो एक टाइमलाइन जो है वो कितनी है 82 एंड हाफ डिग्री। वन मोर थिंग आपको इस पर भी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, इसका कैलकुलेशन भी इधर पे देख लीजिए, 82 एंड हाफ ये इंडिया है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ये पूरा वर्ल्ड है सॉरी, और ये प्राइम मेरिडियन लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इंडिया की टाइम लाइन कौन सी है 82 एंड हाफ डिग्री। सन ईस्ट से निकलता है तो ये सन, तो सन की रेज पहले तो जापान में पड़ती है, कंट्री ऑफ राइजिंग सन में बोलते हैं उसको, फिर इंडिया में आई और फिर ग्रीनविच ब्रिटेन में गई। तो
पहले हमारे यहाँ सनलाइट आई, फिर ग्रीनविच ब्रिटेन में गई, तो हमारा समय ग्रीनविच या ब्रिटेन के टाइम से आगे होगा। तो इंडिया का जो टाइम है वो कितना आगे है, ये कैलकुलेशन देखने के लिए मैं वैसे बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हल्का सा देख लीजिए। अर्थ एक रोटेशन को पूरा करने में अर्थ को लगता है 24 घंटे, तो 360 जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 360 प्लस 180 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 180 वेस्टर्न, तो टोटल जो लॉन्गिट्यूड होते हैं 360, पूरे 360 लॉन्गिट्यूड्स जो रहते हैं, ये 360 लॉन्गिट्यूड्स ये 24 आवर्स में, तो एक लॉन्गिट्यूड के बराबर यदि आप डिस्टेंस देखोगे तो इट विल टेक 4 मिनट्स। एक लॉन्गिट्यूड के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में सन को या अर्थ को किसी को भी बोल सकते हैं, इट टेक्स 4 मिनट्स, गॉट इट ऑर नॉट। अब इंडिया से ग्रीनविच तक आने में टोटल कितने लॉन्गिट्यूड करना है, ट्रेवल करना है सन को या अर्थ को, 82.5। एक लॉन्गिट्यूड कवर करने में 4 मिनट, तो 82.5 लॉन्गिट्यूड कवर करने में, तो इट वुड बी 4 × 82.5, तो इसको करोगे दिया जाएगा 330 मिनट्स, 330 मिनट्स मतलब 5 hours 30 मिनट्स, मींस इंडिया का टाइम जो है ग्रीनविच टाइम से या ब्रिटेन के टाइम से लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे है, 5 hours 30 मिनट्स आगे है। तो जैसे हमारे यहाँ सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो वहां पे अभी सुबह के 5 बजे हैं, मतलब वहां पे अभी जो इंडिया की पोजीशन है वो वैसी पोजीशन आने में 5.5 घंटे लग जाएंगे। गॉट इट नाउ। एक और चीज मैं बता दूं, इंडिया का आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दूसरा देखो इंडिया का लॉन्गिट्यूड एक इधर है एक इधर है, ये 68 है ये 97 है, इसको यदि 98 कंसीडर कर लें तो टोटल लॉन्गिट्यूडनल जो डायमीटर है ये लगभग कितना है, 30 मिनट्स की इक्वल है, 30 लॉन्गिट्यूड्स की इक्वल है। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर, लॉन्गिट्यूडनल डाया 30 लॉन्गिट्यूड्स के इक्वल है, 68 एंड 98 अप्रोक्स। तो एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए 4 मिनट लगते हैं, तो 30 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने के लिए कितने लगेंगे, 30 × 4 दैट इज 120 मिनट्स, 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स, मींस इधर का अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल उगते हुए सूरज का प्रदेश भी बोलते हैं, स्टेट ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट ऊपर था गुजरात, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में भी 2 घंटे का टाइम गैप है, तो हम इधर से 20 से गुजार देते हैं, तो जैसे इधर 10 बज रहा है तो इधर सुबह के 8 बज रहे हैं, इधर फिर 9 बज रहे हैं, तो इधर 1 घंटे पीछे कर लिया जाता है, इधर 1 घंटे आगे कर लिया जाता है, पूरी इंडिया में 9 AM हो जाता है। गॉट इट ऑर नॉट। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस को कवर करने में सन को या अर्थ को कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 2 आवर्स या 2 आवर्स का डिफरेंस होता है इंडिया के ईस्ट और वेस्ट पोर्शन में। ओके, अब आप ये वाला एक तो ये वाला ग्रीनविच वाला याद रख लीजिएगा, इंडिया का टाइमलाइन 5.5 घंटे आगे है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इन लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर कवर करने में 2 घंटे लगते हैं, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है ईस्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ओके, अब इंडिया के कुछ फैक्ट्स कर लीजिए। यदि अपन लोग देखते हैं तो एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड का 2.42% एरिया इंडिया के पास है। पॉपुलेशन यदि देखें तो पूरे वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। इंडिया की नॉर्थ से साउथ तक का एक्सपांशन देखेंगे तो इट इज 3 to 14 किलोमीटर, और इसका हम वेस्ट से ईस्ट एक्सपांशन देखेंगे तो इट इज अराउंड 2933 किलोमीटर। गॉट इट ऑर नॉट। नेक्स्ट फिर याद रखिएगा लैंड बाउंड्री। तो ये जो लैंड बाउंड्री है इसका लेंथ लगभग 15,200 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन तो इंडिया का जो मेन कोस्ट लाइन है दैट इज 6100 किलोमीटर, बट व्हाट वी डू, वी आर हैविंग टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ये है, इट इज कॉल्ड लक्षद्वीप, और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ये है, ये कहलाता अंडमान निकोबार।
लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में सिचुएटेड है, वाइल अंडमान निकोबार सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल। तो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यदि हम इनका कोस्टलाइन भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इंडिया का टोटल कोस्टलाइन जो हो जाता है इट इज 7516.6 किलोमीटर। फिगर्स बिल्कुल इजी है लर्न करने में, तो आप देखिए हमने ट्रिक्स के वजह से कितने जल्दी इन फिगर्स को भी लर्न कर लिया और कुछ फैक्ट्स जो थे जो कि एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आंसरिंग में बहुत हेल्पफुल रहते हैं उन फैक्ट्स को। जितने ज्यादा फैक्ट्स लर्न करोगे आपकी एनालिसिस उतनी ज्यादा बढ़ेगी, व्हाट इट और नॉट। तो अपन ने बड़े अच्छे से बहुत इजी ढंग से अब ये टॉपिक को किया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक को भी हम इसी से इंटररिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।